सर दोस्तों अलग अलग कमेंट आते हैं। आज का कमेंट ये है कि सर लाइव क्लास में चलिए, वो भी पहले दिन। तो बिल्कुल लाइव में जा रहे हैं आज। आज आप देख सकते हैं डेट क्या है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वाह क्या बात है। ये सैफी सर है सर, टाइमिंग बताइए जरा अभी का। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए सर, टाइमिंग बताइए। 6:45 हो रहा है। अच्छा 6:45 हो रहा है। और डेट बताइए, डेट आप लोग बताएंगे। 24 जनवरी। चलिए ठीक है, 24 जनवरी। और आज ही बैच शुरू हुई है सैफी सर का, और आज पहला दिन है। तो देखिए पहला दिन का वीडियो जनरली आपने कभी देखा नहीं होगा, पहला ये वीडियो है। ये सैफी सर ने कहा कि नहीं, बहुत सारे कमेंट आते हैं क्यों ना पहला वीडियो बनाया जाए। तो ऐसे पता हो कि स्टूडेंट्स को कि क्लास कैसे होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए, और फील आ रही पहले दिन से कि रिपेयरिंग सीख सकता है वो। यस सर, सबको सर। ऐसा क्या देखा आपने क्लास में जो आपको लगा? सर आपके सिखाने का तरीका। अच्छा आप कितने दिन से रिपेयर कर रहे हैं? सर अभी मेरे को पहला ही दिन हुआ है। नहीं ऐसे पहले कितना सालों से रिपेयर करते? कोई रिपेयरिंग नहीं करते थे। अच्छा कोई है जो एक्सपीरियंस वाले हैं यहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं आप में से? तौफीक भाई हैं उधर, विश्वास नहीं, साथ में राकेश किधर है? अच्छा आज कोई रिपेयर हुआ है, ऑन हुआ है? कौन सा आईफोन? आपका था? अच्छा क्या रिपेयर हुआ है बताइए। मेरा iPhone 8 था। आप खुद लेके आए थे? हाँ, क्या प्रॉब्लम थी उसमें? वो डेड था सर। तो आपको यकीन था कि पहला दिन ही ऐसा होगा? हाँ जी यकीन था सर मुझे। अच्छा क्या यकीन था? मैं डेमो लेके गया था ना पहले। अच्छा डेमो लेके गए थे। हाँ, क्या था डेमो में? डेमो में मैंने देखा था सर के पढ़ाने का तरीका, सर के काम करने का तरीका देखा था मैंने। अच्छा आज अभी बहुत सारा सुनते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है या ऑफर है, 30% का डिस्काउंट है या कुछ भी, रिपब्लिक डे है। तो आपको क्या लगता है डिस्काउंट मिलना चाहिए? नॉलेज चाहिए सर, नॉलेज चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए। हाँ जी, हाँ। अच्छा इसमें से कोई है जिनको डिस्काउंट मिला हो 1000 का अभी, किसी का अंतर हो? नहीं सर। जरा जोर से बोलिए। नहीं सर। रुक जाइए, रोज दूर से दिखाते हैं। 500 का मिला ही होगा ना? नहीं सर। 500 का नहीं। अच्छा कोई भी 500 क्या बोले सर? 100 रुपए का भी नहीं मिला सर। 100 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिला? अच्छा, कौन ऐसे भाई जिन्हें पिछले महीने हमें नॉलेज चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, पैसे का मैटर नहीं। क्या बोले सर? पिछले मंथ में किस किस को वेटिंग मिली थी क्लास में जिसको सीट नहीं मिल पाई थी? हमें सर। अच्छा आपको सीट नहीं मिल पाई थी पिछले महीने? आपको नहीं मिल पाई थी? आपको नहीं मिल पाई थी सर, पीछे नहीं हुआ। और आप हैं तो अभी सीट मिली तो कैसा लग रहा है ये बताइए, क्योंकि अभी 22 लोग वेटिंग में हैं सैफी सर से क्लास लेने के लिए। अच्छा मजा आ रहा है, एक महीना इंतजार किया आपने। अच्छा और कौन लोग थे डेमो में सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ से? जी मैं कश्मीर से। कश्मीर से जी। तो कैसा लग रहा है कश्मीर के भाई? तो बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, अभी किसी ने एप्पल देखे भी गए, बहुत बढ़िया था। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? तो ठीक लग रहा है। अच्छा तो ठीक। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप बताएंगे पिछला कोई स्टूडेंट के कोई रेफरेंस के हैं स्टूडेंट, ये बताइए उनका। अच्छा पिछले अच्छा नहीं नहीं किसी ने रेफरेंस दिया हो, उसके कोई दोस्त पढ़ के गए हो यहाँ से? अच्छा आप हैं, आप बताइए पिछले स्टूडेंट का कोई आप अनुभव बताइए। सर मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे सब, मैंने उससे कहा था सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने यही बताया। मैंने कि पैसे की टेंशन नहीं है, है जगह कहीं पे भी हो ये कोई दिक्कत नहीं है, पर मिलना चाहिए बढ़िया जो कि ऐसा हो कि बिल्कुल प्रॉपर सिखा सके, तो मेरे को यहाँ पे भेजा। अच्छा अपने साथ कोई फोन लेके आए हैं जो? मैं लेके आया था 7। अच्छा फिर इसमें ना वॉल्यूम आई सी की या पता नहीं किस चीज की दिक्कत थी। हाँ तो हो रही नहीं थी कहीं पे भी, मैंने कई जगह पे दिखवाया तो मतलब कि एक जिन्हें बताया था इसमें करीब 3,000-3,500 का खर्चा आए और वो भी कन्फर्म नहीं है, वो भी सर के पास दिखाया तो सबने एक बार में ही। अच्छा ये सॉल्यूशन कर दिया? सॉल्यूशन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या बात है, एक क्लैप हो जाए सर। ये तो मुझे भी यकीन नहीं था। कोई और हैं जो पिछले किसी कोई बैच से पढ़ के गए हों और उसके रेफरेंस से हो, आपको क्या अनुभव दिया था उन्होंने? अब्दुल्ला भाई थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, और मेरे बहुत सारे मोबाइल थे वो रिपेयर नहीं हो पा रहे थे तो कहीं और देना पड़ता था, ऐसे मैंने सोचा कि कोई बेस्ट जगह मिल जाए
तो मुझे करोल बाग में तो बहुत सारे हैं लेकिन वो अच्छा नहीं सिखाता। तो आपको कोई डिस्काउंट मिला जैसे? कुछ डिस्काउंट तो वैसे नहीं मिला है। उन्होंने बताया होगा कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सीट भी आपको मुश्किल से मिलेगी। डिस्काउंट तो वैसे चाहिए भी नहीं था, बस नॉलेज चाहिए थी परफेक्ट मिल जाए। हाँ, क्यों मिले? अभी एक दो दिन से कॉल बहुत आ रहा है, सर आपके यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। मतलब भाई सीट रहेगा तभी तो डिस्काउंट करेंगे ना, जो डिफेक्टिव माल होते हैं वो नहीं बिकते हैं। तो दो काम कर लो तो डिस्काउंट ले लो, ये तो नॉलेज ले लो। हाँ, तो डिफेक्टिव माल में डिस्काउंट मिलता है। तो सैफी सर डिफेक्टिव है क्या, कोई नजर आता है किसी को? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू। अभी हाँ, क्या बोले? क्या बोले? नहीं, डिफेक्टिव माल पे क्या होता है ना, डिस्काउंट मिलता है। सर इफेक्टिव, सर इफेक्टिव। थैंक यू। वैसे और कोई आप और कोई मोबाइल जो अभी लाए हो? फरीद जी थे, उनका भी। फरीद जी, अच्छा आपका कौन सा फोन था? सर मैं एक्सेस लाया था, ब्लिंक पे लोगो आता था और फिर बंद हो जाता था। तो मतलब लूट रहे थे बिल्कुल ही, वो ठीक भी नहीं कर रहा था चीजें, तो यहाँ आया तो सॉल्यूशन हो गया, ऑन हो गया। ऑन हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप अभी क्या डेट टाइम दिखाएंगे? आपके किसी के पास घड़ी है, स्मार्ट वॉच है? डेट टाइम दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि कोई एडिट नहीं है। अच्छा, और कौन सी फोन है आपका जो आपने रिपेयर किया था? ये अंदर है। अच्छा अंदर है, जब तक आप निकालेंगे तब तक किसी और से मिलते हैं। कोई है जो बंदा रेफरेंस से आए हो, जिनको किसी ने विश्वास दिलाया हो कि आप जाके पढ़ो? अच्छा निकल गया, ये आपने रिपेयर किया, इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये ब्लिंक पे बंद हो रहा था, लोग आके फिर ब्लिंक कर रहा था। तो आपको बिलीव हो रहा था या कि पहला दिन ऐसा हो जाएगा? जितना नाम सुना था तो हो ही जाना चाहिए। चलिए कोई नहीं, किनके पास जाएं अभी ये बताइए, जल्दी से छोड़ना है आप लोगों को, टास्क भी देना है कल का। बहुत सारे हैं, जैसे सुलेमान भाई हैं सर, वो भी रहते। सुलेमान भाई रेफरेंस से आप आए, वेरी गुड। जाफर क्लास रूममेट है। अच्छा, उसी ने कहा था कि कर लो। तो क्या मतलब क्या स्टोरी, आपने कोई सक्सेस स्टोरी देखा था क्या? सर मैं एक सेट लाया था आईफोन का, 6 प्लस था। सिक्स प्लस था, ब्लैक डिस्प्ले आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो सर हम दुकान पे रखे तो हो नहीं रहा था किसी ने। कितने 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 दिनों से रखा था वो? सर वो 2-3 महीने से पड़ा हुआ। 3 महीना से पड़ा हुआ था, आसपास में कहीं नहीं हुआ? नहीं सर। फिर क्या हुआ? सर जाफर ने करके दिए वो। अच्छा, इन्होंने क्या मतलब अपने हाथों से आपने किया था? तो अपने हाथों से किया तो ये प्रभावित हो गए, फिर इन्होंने क्या बोला आपको? सर इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला अगर करना है तुमको, हैंड स्किल चाहिए और अच्छा प्रॉपर करना ही है, जहां मार्केट में टिकना है आपका, आपके उसके जनरेशन के हिसाब से तो आईफोन बेस्ट है, आईफोन बेस्ट पड़ेगा। आईफोन अभी करो या बाद में करो, तुमको आना इधर ही है। तो हमारे ख्याल से सैफी सर बेस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बेस्ट, बेस्ट, बहुत बेस्ट है सर, बहुत बेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप कहां से आए? मैं सर बरेली से। बरेली से, आप बताइए कुछ अनुभव शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से काम करता हूँ और मुझे ये लगता है कि मैंने 7-8 साल खराब कर दिए। अच्छा, मुझे 7-8 साल पहले आना चाहिए था। 8 साल पहले आना चाहिए था, 8 साल पहले आना चाहिए था तो मैं बहुत आगे पहुँच चुका होता। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे इतना कहूंगा कि आँख बंद करके आ जाए, आँख बंद करके आ जाए, बंद करके आ जाए। सीट तो होना चाहिए ना सर? अगले महीने सर, अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने आ जाए, लेकिन टाइम ना खराब करें बिल्कुल। दोस्तों क्या बताएं, सैफी सर का अभी अगले महीने भी 13 लोगों का वेटिंग चल रहा है। हमारे ख्याल से 20 से प्लस अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इंतजार में थे और इस महीने के सीट के लिए 13 लोग थे जिनको सीट नहीं मिला। सर आप बताइए क्या कहेंगे, जो डिस्काउंट ऑफर को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हम तो बस इतने कहना चाहेंगे, डिस्काउंट अपनी जगह ठीक है, जिसे जरूरत है वो डिस्काउंट पे जाए और जिसे नॉलेज की जरूरत है वो यहाँ आ जाए। है भाई, सही बात है। तो आज ना सर बर्गर तो ठेले पे ही मिलता है, बर्गर मैकडी में भी मिलता है। हाँ। नाम दोनों का बर्गर ही है, अब जो दोनों खा चुका है उसे पता है कि मैकडी के बर्गर में और ठेले के बर्गर में क्या फर्क है। सर तो खाए ठेले का बर्गर जैसे खाना है वो खा सकता है, खा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहने लगे दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, जितने खा रखे उसे पता है दोनों का टेस्ट क्या है। सर फोर नाम एक ही है बर्गर। सर फोर व्हीलर तो दोनों है ना, अल्टो भी है और थार भी है, क्या अंतर है सर? अच्छा नैनो भी है, बस कोई फर्क नहीं है। अच्छा वो भी है, अच्छा गाड़ी तो वो भी है, सीट भी उसी में, उसमें भी है, गियर भी और चलती भी है, लेकिन मजबूती और फीचर में अंतर है ना, भरोसा में अंतर है। धक्का लगने पे क्या होगा, नैनो पापड़ बन जाएगा और थार थोड़ा बचाने की कोशिश करेगा। आदमी एक बार निकलता है सीखने के लिए, अब जिस एज पे ये सब पर्सन दिख रहे हैं आपको, इनमें से ज्यादातर बंदे जो है वो करियर ऑप्शन चेंज भी नहीं करेंगे,
क्योंकि उनके पास एज वो नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे अभी ये रहीम भाई हैं या ये हैं, ये करियर ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 80% स्टूडेंट इसमें जो बैठा है वो करियर ऑप्शन चेंज भी नहीं करेगा। तो बार बार अपनी शॉप बंद करके फिर से ट्रेनिंग लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, आजकल रिव्यू में सुनते हैं मैंने आईसी लगाना सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, क्या वो ट्रेनिंग अच्छा, है जो हमने सेट रिपेयर किया उसमें आईसी उखाड़ी कोई? नो सर। क्या किया उसमें हमने? प्योर नॉलेज थी ना उसमें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आईसी उखाड़ दो, पावर आईसी गर्म होती थी, उसके थर्मल खरीद लेता, अगर पावर आईसी गर्म होती निकाल देता, पावर आईसी ठीक हो जाता नहीं? तो खाली टूल्स लेना या सिर्फ आईसी उखाड़ना या आईसी लगाना रिपेयरिंग नहीं। हाँ, वो एक पार्ट है एक्चुअल में, आपको जब रिपेयरिंग करनी है तो रिबॉलिंग भी आनी चाहिए ना, फिक्सिंग भी आनी चाहिए। जैसा भी हमने उनका किया तो उसमें भी एक आईसी हमने उसमें भी नहीं बदली है। किसका गोविंदा, आपके साइड पर कोई आईसी बदली क्या हमने? नहीं, सिर्फ एक जम्पर मारा है। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि बिटमैप से कैसे जीआर चेक करनी है, कहां से जीआर आएगी, तो आपको अच्छा पहले दिन से सबका नाम आप जानते हैं, क्या बात है भाई? नहीं सर, हम नाम इसलिए जानते हैं, ऐसा लगता है नकली वीडियो है क्या? इतने दिनों से पहला दिन, पहले दिन ही सर सबका नाम जान रहे हैं क्या? हाँ, पहले दिन में कुछ लोगों से तो पहले दिन गए आज हम। अच्छा, सर से जुड़े हुए हैं, पहले से सर से जुड़े हुए थे। नाम प्रताप नाम इनका, इनका नाम रविंद्र नाम है, उनका नाम जय नाम है, अनिकेत नाम है, रहीम नाम है, अक्षय, सुलेमान, जयशा, मतलब क्या कारण है सब सब सर का नाम जानते हैं, सभी का नाम जानते हैं सर, सभी के नाम बेसिक से सर से मिल रहे सर। अच्छा, फिर भी इतने स्टूडेंट्स को ऐसा होता है ना कि कई बार हम चाहते हैं कि इन्हें ये फील ना हो कि ये किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपको ये फील आए कि आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, और आपको टीचर की जरूरत भी नहीं है यार, आप सब मेच्योर हो, आपको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है बस। वो दोस्त बन के पढ़ लो, भाई बन के पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, उसमें सीखना है सिर्फ। आप हमारा सिर्फ एक ही एम है आपके लिए कि आप क्या करें, सीख के जाए। ऐसा बहुत मेहनत है, बिलीव नहीं करते कि पैरों में लोटना है सर के, जब ही जाके टीचर महसूस होगा। अगर आप देखते हैं और आप सीख रहे हैं, मुझमें मैं बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस, मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो स्टूडेंट है जो अपनी शॉप पर जाके काम करता है। रियलिटी है, मैं चाहता हूं कि आप सब जाए जब यहां से तो काम करें अपने टेबल पे, ना कि टीचरों को बटरिंग करें कि यार वो सर अच्छे है, सर अच्छे, उससे अच्छे अच्छे से कुछ नहीं है। घर अच्छों से नहीं चलता है, घर चलता है किससे? पैसे से। और पैसा मार्केट में वही कमा सकता है जिसे काम आता है। आप सब किस लिए आए? काम सीखने के लिए। और वो पहले दिन से आपको पता चलने लगेगा कि आप काम सीखेंगे नहीं सीखेंगे। आज आपने माइक्रोस्कोप पे काम किया, कितने परसेंट रेशो आया आपके हाथ के डेडिकेशन में, या शिवरिंग हो रहा था जब पहले दिन देख रहे थे? कुछ क्या आज हो सकता है सर में भी दर्द हुआ होगा, है ना? हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है, सबको होता है, ये नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बीइंग है। ये फिल्टर हमने कभी यूज नहीं किया, एकदम सडनली आपके आगे फिल्टर आता है तो ऐसा हो जाता है, बट इसे छोड़ना नहीं है। ये या तो काम आप पे हावी हो जाएगा या आप काम पे हावी हो, तो क्या करना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, अच्छा आज पहला दिन किसका है एक ही इन्फो में? फर्स्ट डे। अच्छा, इधर से आप भी है ना? देखिए, ये ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एंड्रॉयड की क्लास की, और आज इन्होंने एप्पल के लिए भी एक ही इन्फो को चुना। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बल्कि साथ में रिजल्ट भी स्टूडेंट के हाथ से करवाते हैं। तो आपने देखा होगा कई स्टूडेंट अपने हाथों से मोबाइल रिपेयर करके यहाँ से जाते हैं, एक दो नहीं, कम से कम पिछले बैच में सर कोई ऐसे स्टूडेंट थे ना जो कितना मोबाइल रिपेयर किया था उन्होंने? कितने? 20 उन्होंने रिपेयर किया। डन। और उसमें से वो 14-15 करके ले गए थे, वो उन्होंने सिर्फ वो सेट यहाँ पे रिपेयर नहीं किया जिसका जैक वगैरह बदलना था, तो वो सोचे वहीं बदल लेंगे, वो सोचे तो इतना काम की दुकान पे कर लो। तो अपने साथ कोई फोन भी लेके आए हैं? कितने लोग फोन लेके आए हैं, हाथ उठाइएगा। अच्छा, 1, 2, 3, 4 और कितने लोग फोन लेके आए हैं? ये 5 हो गए। ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है फ्यूचर, हाँ, जैसे अगर आपके पास शॉप है और उसमें आ जाता है तो आप कुरियर भी करा सकते हैं उनसे, तो हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए 16 भर के सेट लाए ताकि फीस यहीं से निकाल के लेके जाए आप लोग। हाँ जी, कितने फोन? 40 फोन आ जाइए। अच्छा, उसमें से एप्पल कितने? आईफोन कितने? 240 फोन लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ये आज पहला दिन है, हम कोशिश करेंगे एक मिड में और एक लास्ट में आपका फीडबैक देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद, थैंक यू भाई, आप लोग काफी सपोर्टिव।